ये तो तालिबान और अफगानिस्तान से भी बदतर स्थिति है यहाँ। नॉन मेरिट मतलब होता है फेल होता है, फेल विद्यार्थी क्या शिक्षा देंगे जबकि हम लोग मेरिट में क्वालिफाई हैं। क्या आप नॉन मेरिट वाले हैं जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं? आशा और उम्मीद के साथ हम तेजस्वी यादव जी के पास आए हैं। ये सरासर सरकार नोटिफिकेशन के विरुद्ध गलत कर रही है। बिहार को जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मिले हैं, एक कॉमेडियन है या फिर इनके पास कॉमन सेंस ही नहीं? नीतीश कुमार जी, हम इस स्टेट 2019 के मुद्दों को इतना उठाएंगे कि आप मुंह दिखाने नहीं रह जाएंगे इस दुनिया में। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरिट स्टूडेंट 2019 पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव के आवास पे, बाहर खड़े हैं बहुत जन। आज क्या मुद्दा लेके पहुंच गए तेजस्वी यादव के आवास पे? अनुकूल जी, हम लोग सरकार से ये कहते कहते थक गए हैं कि जो विज्ञापन आपने 2019 में निकाला था स्टेट 2019 का, उस विज्ञापन का पालन करिए। आपको आपके विज्ञापन को मान करके हमने फॉर्म भरा था, हमने जिंदगी के ये चीज आप सरकार के पास बोलेंगे ना, यहाँ विपक्ष के बड़े नेता के पास बोल रहा हूँ मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। आप विज्ञापन से अलग नहीं जा सकते, ये विज्ञापन मेरा गीता और कुरान है, आप इससे अलग नहीं जा सकते। हमने विज्ञापन के शर्तों को मान करके फॉर्म भरा था और आप विज्ञापन को पलट देंगे? विज्ञापन के अनुसार यहाँ परीक्षा हुई, रिजल्ट हुआ और रिजल्ट के 5 दिन बाद विज्ञापन को खारिज कर दिया जाता है। 26 तारीख को तुगलकी फरमान जारी किया जाता है। उस 26 तारीख को जो लेटर जारी हुआ है, अनुकूल जी मैं आपको कह रहा हूँ, हम लोग आंदोलन करने वाले हैं और उस 26 तारीख के काले फरमान को पटना में पेट्रोल डाल के आग लगाएंगे। तेजस्वी यादव अगर मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम लोग तेजस्वी यादव से मिल करके ये कहेंगे कि हमारी राज्य में, हम इस राज्य को, बिहार को, हिंदुस्तान को बाबा साहब अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी ने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी। आज इसलिए नहीं किया था यहाँ कानून का हनन किया जाए। ये तो तालिबान और अफगानिस्तान से भी बदतर स्थिति है यहाँ। यहाँ ऐसा इतिहास में, संसार के इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा। कहीं देर रुके रहेंगे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए? हम यहाँ पे आज तो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये रात हो जाएगा तो भी, रात हो जाएगा तभी। और लेकिन ये आज का मसला नहीं है, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा तब तक हमारी सांस चलेगी। हमारी मौत के बाद ही आंदोलन खत्म हो सकता है, ये हमने ऐलान कर दिया है, कभी रुकने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री जी को ये बात सोचना चाहिए कि जिस तरह से ये शिक्षा मंत्री बयान बदलते हैं, आज सुबह क्या कल क्या, वो सब उनको समझना चाहिए। 12 मार्च को जो रिजल्ट हुआ वो सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की रिजल्ट थी, उन्होंने उल्टा बोला। उनको बोलना चाहिए था कि आज सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर रहा हूं और इसमें से मेरिट में 24,599 को घोषित करूंगा, तो ये बोलना चाहिए था उनको। उन्होंने ऐसा ना बोल के सब बोल दिया, सबकी नौकरी पक्की, सब बोलने लगे पक्की, तो सबकी नौकरी पक्की। क्या बोलेंगे शिक्षा मंत्री को? शिक्षा मंत्री अपना एक बयान, जो गलत बयान दे दिए थे 12 मार्च को, उस बयान को छुपाने के लिए वो लगातार गलती पर गलती किए जा रहे हैं। सिर्फ उनको बोल देना था कि हमसे गलती हो गई 12 मार्च को, ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता। लेकिन शिक्षा मंत्री जी हठधर्मिता अपनाते हुए अपने एक गलती को छिपाने के लिए आज हजारों मतलब स्टेट मेरिट अभ्यर्थियों को, मैं बीच में टोकूंगा, तो शिक्षा मंत्री अगर गलती की है, सरकार गलती की, तो आप विपक्ष के पास कैसे आ गए? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक मतलब कि स्टेट में विपक्ष जो होता है सरकार को मतलब आईना दिखाता है, सरकार के खिलाफ हमारे आवाज़ों को उठाता है। तो अभी बिहार में जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं वो तेजस्वी यादव जी। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव मदद करेंगे? उम्मीद तो हमें पूरा है कि तेजस्वी यादव सीटी के नॉन मेरिट वाले जो हैं वो भी आते थे यहाँ पे, उनका भी वो भी आए, उनसे हमारी लड़ाई थोड़े, हमारी लड़ाई तो सरकार से है, सरकार ने ना इस मामले को फंसाया है जी। हमें तो पूरी उम्मीद है, मेरा सवाल माननीय शिक्षा मंत्री से बस इतना है कि बिहार में कब तक एकेडमिक मार्क्स के आधार पर डिग्री लाओ और नौकरी पाओ ऐसी व्यवस्था चलती है? आधार पर एकेडमिक मार्क्स के आधार पर डिग्री लाओ नौकरी पाओ ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी? इस बार आनंद किशोर जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बार की जो स्टेट परीक्षा होगी वह पूर्व की परीक्षाओं से पूर्णता अलग होगी और एक कॉम्पिटेटिव नेचर की होगी। क्या लग रहा है मेरिट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा, क्या उनको नौकरी मिलेगा, क्या वो बच्चे को पढ़ा पाएंगे? पढ़ाने के लिए तो पूरी तरह से सक्षम है, तभी तो मेरिट में आए हैं। पढ़ाने का तो यहाँ सवाल है कि हमें अपने हक जो अभी है वो हमें सरकार पढ़ा पाएंगे, मतलब कि उनका सपना पूरा होगा? तब ये तो सर माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री उन पर निर्भर करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। अगर वो बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं और अपने अभिभावक, बिहार के सारे बच्चों का भविष्य चाहते हैं, उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो वो एक मेरिटोरियस शिक्षक
का बहाली बिहार में करेंगे, नहीं तो वह फिर से वह पूर्व में जैसे बहाली होती रही है एकेडमिक मार्क्स के आधार पर, जो कि शिक्षक जिनका कोई मेरिट नहीं होता वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर से बिहार का भविष्य गर्त में चले जाने वाला। हम तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष से यही मांग रखना चाहते हैं कि हम लोग के मेरिट के पक्ष में कुछ आवाज़ उठाया जाए, जो हम लोग मेरिट में आकर भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ये सरासर सरकार नोटिफिकेशन के विरुद्ध गलत कर रही है। टीचर बनने का सपना ही रह जाएगा क्या लगता है? लगता तो है कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक हम लोग का ही सपना रह जाएंगे। जी तो उसी को मुद्दा को लेकर हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कुछ मिलने आए हैं और अपनी बात को रखेंगे उनके सामने, जो आगे चल के हम लोग को बात को उठाएंगे। शिक्षा मंत्री जी गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन गुणवत्ता शिक्षा की बात नहीं मान रहे, मेरिट वाले शिक्षक जो क्वालिफाई किए उनको बहाल नहीं किया, जबकि नॉन मेरिट वालों की बहाली की बात की जा रही है, तो बिहार के बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? नॉन मेरिट मतलब होता है फेल होता है, फेल विद्यार्थी क्या शिक्षा देंगे? जबकि हम लोग मेरिट में क्वालिफाई हैं, उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि दोनों को बराबर कर दिया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार से यही मांग करते हैं कि मेरिट वालों को जो नोटिफिकेशन का बात हुआ उस पर बहाल किया जाए। बिहार के लिए सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे, बिहार को जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी मिले हैं, एक कॉमेडियन है या फिर इनके पास कॉमन सेंस ही नहीं है। 21 जून को जो हम लोग को एक रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसमें 24,599 मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी थे, और इन्होंने क्वालिफाई बोल करके पूरे मामले को फंसा दिया और अभ्यर्थियों को लड़वा रहे हैं मेरिट और नॉन मेरिट में। मेरा कहना यह है कि आपसे जब गलती हुई है तो क्षमा मांगते हुए गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री से, आपके छोटे छोटे बाल बच्चे होंगे, यदि बड़े हो गए तो उनके बच्चे होंगे अर्थात आपके पोते होंगे, आपके सामने दो टीचर लाया जाए, एक टीचर जो कि मेरिट वाला हो और एक टीचर नॉन मेरिट वाला हो, तो आप अपने पोते और आप अपने बेटे को किससे पढ़वाना चाहेंगे? पहला प्रश्न, मेरिट वालों से या नॉन मेरिट वालों से? और यदि आपके नज़र में नॉन मेरिट और मेरिट इक्वल है तो मुझे बताया जाए फिर नॉन मेरिट का अर्थ क्या होता है और मेरिट का अर्थ क्या होता है? क्या आप नॉन मेरिट वाले हैं जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं? हमें इस बात का जवाब चाहिए। मतलब सीधा साफ है, मेरिट वालों की ही इस देश में पूजा होती है और मेरिट वालों की ही मान्यता है। तो मेरा कहना यह है कि हम मेरिट अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द बहाली सुनिश्चित किया जाए, नहीं तो व्यापक आंदोलन होगा। आज हम लोग तेजस्वी जी से मिलने आए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारी बात को उठाएंगे, इस बात की हमें बेहद उम्मीद है। नीतीश कुमार जी से अब कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकते, ना शिक्षा मंत्री कर सकते, इसीलिए हमने आशा और उम्मीद के साथ हम तेजस्वी यादव जी के पास आए हैं। और मैं बिहार की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप तय कर लें कि आप मेरिट से पढ़ेंगे कि नॉट मेरिट से पढ़ेंगे, क्या निरक्षर से पढ़ेंगे आप? ऐसे भी नीतीश कुमार ने आपके साथ धोखा किया कि पहले 1,00,000 से निरक्षर शिक्षकों की भर्ती कर ली, इसलिए इतिहास कभी नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगा, नीतीश कुमार को कभी भी माफ नहीं करेगा। और नीतीश कुमार जी, हम इस स्टेट 2019 के मुद्दों को इतना उठाएंगे कि आप मुंह दिखाने नहीं रह जाएंगे इस दुनिया में। तो आपको बहुत ही मौका है कि आइए आगे एक्सप्लेन करिए। इस तरह का चुनौती दे रहे हैं आप नीतीश कुमार, चुनौती दे रहे हैं कि आइए एक्सप्लेन करिए। बहुत कहते थे एक्सप्लेन करिए कि 2019 का मुद्दा क्या है, वरना आपकी इज्जत की पानी पानी कर दूंगा, तार तार कर दूंगा आपको। तो आपने देख ही लिया कि एसटीईटी मेरिट स्टूडेंट पहुंचे थे तेजस्वी यादव के आवाज़ पे, उनका बस यही कहना है कि सरकार से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, उनको बस उम्मीद है तो तेजस्वी यादव से उम्मीद है। उनका कहना है कि कोई मदद करे या ना करे, तेजस्वी यादव ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन आपने ये भी सुना कि ये लोग नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री को क्या कुछ कह दिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।